बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। आइए आज हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन कैसे होता है और कौन कौन सी टाइप्स होती है और उसके एग्जांपल्स क्या है और इनमें से इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जो कि पक्का पक्का एग्जाम में आता है। आइए आज हम देखते हैं कि जो रिडक्स रिएक्शन जो होते हैं, बच्चे आपको ये बेसिक समझ आ रहा है रिडक्स का मतलब, जिसमें बहुत ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन होता है, उसको रिडक्स कहते हैं। बट वो बेसिकली फोर टाइप्स की होती है। तो बट उनमें से अगर हम देखते हैं कि जो फोर टाइप्स है एक्चुअली, ठीक है, सो ये इस टाइप से है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज बच्चे जो कि डिस्प्रोपोनेशन। सो फोर टाइप्स की हम यहां पे देखते हैं कि रिडक्स रिएक्शन है। बट इस वीडियो में बेसिकली आज बात करूंगा कि डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होता है और इसका एग्जांपल क्या है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोनेशन कहते हैं, और बाकी क्लासेस में हम बाकी तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई वांट टू, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज नहीं, पहले डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन से स्टार्ट किया जाए। बच्चे देखो, द वर्ड डिस्प्रोपोनेट मतलब है कि नॉट इक्वल। लेकिन आप अगर रिडक्स रिएक्शन की आप बात करते हो कि रिडक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, आइदर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगी। बट अब डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का एक खासियत क्या है, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो अगर एक पर्टिकुलर स्पीसी से अगर वो दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइज हो रहे, रिड्यूस हो रहे, तो उसको डिस्प्रोपोनेट कहते हैं। बट इसके अलावा कि और एक क्राइटेरिया जिसको है, इसको हम कहते हैं कि इट मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे दूसरा जो क्राइटेरिया है इसमें हम देखते हैं, सेकेंड क्राइटेरिया है द स्पीसीज इन व्हिच a particular species exist in three different oxidation state. So that's why, जैसे H2O2 हम लेते हैं, peroxide है, example किसका ना, इसका disproportionation का एग्जाम्पल है, क्या देगा H2O देगा प्लस O2 देगा, क्लियर। सो बच्चे देखो कि पेरोक्साइड है, दिस इज व्हाट, नहीं पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड क्या देता है ना, वाटर देता है और देता है ऑक्सीजन, ठीक है। सो बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड में -1 आप लोग को पता है, बट यहाँ पे -2 तो यहाँ 0 है। तो आपको ये देखना है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे -1 है तो एक इसका लो हो जाएगा, लेकिन -2 और एक इसमें हाई हो जाएगा, मतलब 0 से ज्यादा है। सो बेसिकली डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन वही दिखाते हैं कि जो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ध्यान रखना कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हाईएस्ट या लोएस्ट में होता तो दोनों काम नहीं कर सकता, आइदर ऑक्सीडाइज होता या रिड्यूस होता। लेकिन अगर मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दैट इट कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, तो इसीलिए इट मस्ट बी एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ मच, न थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट होना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार मैं समझाता हूँ कि O2 का व ऑक्सीजन का -1 पेरोक्साइड में है, तो यहाँ पे खाली जो नॉर्मल वाटर में इसका -2 है, बट अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में तो 0 हो जाता है। सो
यहाँ पे -1, -2 और 0.3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट होना चाहिए और पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो क्या करना चाहिए, ना ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि है नहीं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो है नहीं, तो और यहाँ पे तो ये सारे जो बेसिक चीज है कि बेसिक थिंग है बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है और किस कंडीशन में ये डिसप्रोपोनेट कर सकता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। थैंक यू। और बाकी जो है जो 3 टाइप्स के उसके लिए आप दूसरे वीडियो में जाइए और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो है, आप उसको जरूर देख लेना है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है।